केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर दौरे पर है। इस दौरान शेखावत ने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी ली। बाद में मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि कर्नाटक में सरकार का हिस्सा बनकर कांग्रेस भले ही झूठ का जश्न मना रही हो, लेकिन जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया। कर्नाटक में ज्यादा दिन गठबंधन चलने वाला नहीं है। शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार ने 4 साल में अच्छा काम किया। शेखावत ने आगामी चुनाव में प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया है। कर्नाटक के चुनाव में भी हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 104 सीटें प्राप्त करके हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। कर्नाटक की जनता का जो मैंडेट है वो कांग्रेस की सरकार के अगेंस्ट में था। कुमार स्वामी साहब के इलेक्शन के पूरे भाषण उठा करके देख लिया हो जी, उन्होंने पूरा चुनाव जो है कांग्रेस के कैंप जो है नीतियों, कांग्रेस की सरकार के कामकाज और जो है सिद्धारमैया सरकार को गाली देते हुए जो सीटें प्राप्त की थी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता लोलुपता के कारण से जिस तरह से कर्नाटक की जनता के साथ में उन्होंने जो उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है,